हेलो व्यूअर्स, आज यार मैं सुबह से एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया था पिछली वीडियो में कि मैं सुपरमैन या बैटमैन में से कोई एक पेंट करूंगा। ठीक है, तो मैं सुबह से बैटमैन के ऊपर लगा हुआ था, बट जब वो फाइनली कंप्लीट होने वाली थी तो मैंने ये देखा कि उसमें यार काफ़ी बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कि मेरे इस पेज पे, एक्चुअली मेरे पास एक बुक पड़ी हुई थी काफ़ी पहले से, मतलब स्केच बुक, तो उस पर मैं ड्रॉ कर रहा था क्योंकि मेरे पास A3 शीट्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मेरे पास बस एक वही जरिया था जिस पर मैं पेंट कर सकता था। तो समहाउ मैंने उसे ड्रॉ किया और मैंने रियलाइज़ किया कि यार वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बारीक डिटेल है। मैं आपको उसमें एक बार दिखा देता हूँ। वो तो जैसा कि मैंने ये बैटमैन ड्रॉ किया था, ठीक है, और इसमें ना आप जैसे देख सकते हो यार काफ़ी बारीक बारीक डिटेल्स हैं जो कि इस टाइम मेरे से नहीं की जाएगी क्योंकि मैं इतना सही नहीं हूँ पेंट करने में यार। तो मैंने सोचा, तो इसे ही मेरे को यार 2 घंटे लग चुके थे ड्रॉ करते करते, तभी मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई तेरे से नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने ड्रॉ मतलब ये फिनिश करके अब क्या है, मैं इसमें या तो पेंट करूँगा कभी बहुत टाइम बाद जाकर, या फिर मैं इसमें अपने ग्रेफाइट पेंसिल का कमाल दिखाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर बैटमैन नहीं बन सकता तो मैंने सुपरमैन बनाना स्टार्ट कर दिया फिर, तो मैं सुपरमैन बना रहा हूँ और अब मैं इसी में पेंट करूँगा, तो ये वीडियो इसी के ऊपर होगी। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और DC कैरेक्टर बनाया था इसी में ही, वो था रेड हुड। एक्चुअली ये मैंने काफ़ी पहले बना रहा था यार, पर ये मैंने कम्प्लीट नहीं किया था, तो इसे भी मैं इन 2 स्केचेस के बाद ही कंप्लीट करूँगा। इसमें मैंने वो आते हैं एक पेन वाले ब्रशेस आते हैं, तो वो इस्तेमाल करे थे, तो बेकार लग रहा था तो मैंने इसे बीच में ही छोड़ दिया था। पर अब मैं इसमें पेंट ही करूँगा और ये मैं देखता हूँ कैसे करूँगा। खैर, ये अगर मैं इसे पेंसिल शेड से करूँगा, मतलब पेंसिल से, अपनी ग्रेफाइट पेंसिल से, तो इसमें अच्छे लगेंगे और मतलब कि काफ़ी बारीक डिटेल्स हैं, तो पेंसिल से आराम से हो भी जाएंगी। पेंट से मेरे को काफ़ी यार हार्ड लगेगा इस टाइम में, सच बताऊँ तो प्रैक्टिस से ही होगा। खैर, आज ये मैंने बनाया तो मेरी एक तरीके से प्रैक्टिस हो गई है बस, और कुछ नहीं। पर कोई बात नहीं, अब मैं इस पर ही काम स्टार्ट करता हूँ, तो चलो अब पेंट करते हैं इसमें। तो अभी जैसा कि मैं पेंट कर ही रहा था और मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि यार ये जो मेरा यार जो फ़ोन है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो फ़ोन है यार, जब भी मैं इसमें से कुछ देखकर बनाता हूँ वो पता नहीं क्यों नहीं बनता, क्योंकि यार इसमें क्या है, जूम का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा जूम नहीं कर पाते, उसके लिए एक ऐप यूज़ करनी पड़ती है मेरे को अलग से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ किसी का फ़ोन मिल जाए उसमें से देख के बनाऊँगा और उससे वीडियो बनाऊँगा। तो अभी क्या है, सिर्फ मैंने सुपरमैन का ब्लू पोर्शन जितना भी था उसके कपड़े वो ही कवर करे हैं, ठीक है, और उसमें अभी लाइट का इफेक्ट और डालना, मतलब वाइट कलर से मिक्स करके कलर कंपोजिशन यार बड़ी दिक्कत का काम है। खैर, मतलब पहले मेरे को लगता था कि पेंटिंग करना काफ़ी मुश्किल का काम है, खैर मुश्किल का काम है, पर अगर आपको सही से कलर कंपोजिशन आती और पता हो कि कहाँ कैसा कलर कैसे शेड देनी है तो काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें। पर अभी मेरे लिए थोड़ा, मेरे प्रैक्टिस में भी नहीं है और मैंने बहुत टाइम से किया भी नहीं है, तो उसकी वजह से
बहुत दिक्कत रहती है, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम करेंगे। और दूसरा फोन लेके आता हूँ मैं अगर खाली होगा तो, उससे बनाते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी ये कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी। तो यही वाला है, इतने ही पोर्शन कवर किया है, ठीक है। इसमें वाइट वाइट शेड्स भी हैं, लाइट का इफेक्ट आता है पूरा, वो भी देना है इसमें। स्केच में तो यार मैं वीडियो बना लेता हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि एक दो ही पेंसिल्स का काम होता है उसमें, पर इसमें पूरा कलर बदलना भी, फिर वीडियो भी, दिमाग गर्म हो जाता है पूरा। तो अभी मैंने लाइट शेड के लिए लाइट कलर का इस्तेमाल इस पर कर दिया है, और डार्क शेड के लिए भी डार्क कलर का इस्तेमाल कर दिया है पूरे जहाँ जहाँ पे होना था, ठीक है। और यार मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि फ़ोन नहीं मिला मेरे को। तो मैं आपको बता दूंगा ये मैंने कैसे कैसे किया है, ठीक है। ये मतलब मैंने काफ़ी हल्का कलर लिया था, तो मैंने फिर उसके ऊपर लाइट शेड से इधर, और ये डार्क शेड जिस साइड थी, मतलब इमेजेस के रेफरेंस में जो भी जहाँ जैसे भी शेड थी, मैंने सिर्फ वो करा है अभी, ठीक है। तो अभी रेड पोर्शन रह रहा है, और ये पीछे का इसका पर्दा भी रह रहा है। और स्किन कलर बनाने में मुझे थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ स्किन कलर कैसे बनाए जाते हैं जितने भी होते हैं, तो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसमें कलर करूँगा। और अगर मेरे को आ जाता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। बहुत रात हो चुकी है, रात मतलब ओ इतनी भी नहीं हुई है, 1 बजे हैं, 1:03, तो नींद भी आ रही है क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। तो अभी तो सोने चलते हैं और फिर सुबह बनाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। अभी यार मैं सुपरमैन में पेंट कर रहा था और मेरे को दोबारा से रियलाइज हुआ कि यार बहुत मुश्किल है यार। यार पता नहीं मेरे पेंट वगैरह होता नहीं है, मैं ज़्यादातर स्केचिंग में ही रहा हूँ, मतलब पेंसिल ही पकड़ी है हाथ में, ये पेंट वेंट अपने बस की बात नहीं है शायद। वो स्पाइडरमैन में शायद पता नहीं क्या हुआ यार, कैसे हो गया, मेरे को कोई समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात, मेरे से पर्पल कलर नहीं बनने को आ रहा, नहीं मेरे को पर्पल नहीं बनाना था एक्चुअली, मेरे को वॉयलेट बनाना था। इतनी हार निराशा मेरी जिंदगी में मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना काम करा है इस पर। जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्किन पे काम कर रहा था मैं, जितना भी स्किन टोन था उस पर, और वही ब्लू बॉडी हुई है, तो मतलब ये चेहरे चेहरे पे ही काम करा है। और सुबह से मैंने एक बहुत बार पर्पल कलर वॉयलेट कलर बनाने की कोशिश करी, एकदम ब्राइट वॉयलेट चाहिए था, वॉयलेट कलर, ठीक है, पर वो मेरे से बनी नहीं पा रहा, इतना मिक्स कर दिया, बिल्कुल ही कड़ी चावल बना दिया मैंने इसके, पर बनने को ही नहीं आया यार। तो अभी मैंने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो क्या था, लाइट शेड में आना था, तो कोई बात नहीं। पर स्किन टोन जो है इसकी, देखो जैसे कि मैं बना रहा हूँ ये सब, तो ये करने में थोड़ी आसानी हो रही है मेरे को, क्योंकि मैंने पहले ही डिजिटल आर्ट कर रखी थी, और पता नहीं भगवान ने पहले से ही थोड़ी सी शक्तियाँ दे रखी है कि जो स्किन टोन्स जितनी भी होती है मैं थोड़ी बहुत समझ जाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होगी। तो स्किन टोन बनाने के लिए ये कौन सा कलर है, येलो ऑर्च करके ये वाला कलर है पोस्टर कलर्स में, ठीक है। तो मैंने इसको पहले एकदम मतलब थोड़ा वाइट के साथ मिलाया, तो उसके लिए वो लाइट टोन, फिर उसके बाद ये जो उसका ओरिजिनल कलर है, फिर उसके ऊपर फिर इसी में ही मैंने ब्राउन कलर वाला मिक्स करा, ये आता है जो भी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा डार्क स्किन टोन और बन गई। तो ये मैं ऐसे ऐसे करके इसमें कर रहा हूँ, तो ये मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो मैं स्किन टोन वगैरह बना लेता हूँ इतने आराम से। मेरा बहुत मन है कि मैं इसे बीच में ही छोड़ दूँ, पर यार बीच में मैं छोड़ता नहीं हूँ ज़्यादातर अपनी पेंटिंग्स क्या की तो बनाई है मैंने, तब भी मैं हो सकता है इसे कम्प्लीट करूँ, और कम्प्लीट नहीं करूँगा तो कुछ नया ज़रूर बनाऊँगा आज वैसे भी। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा स्टिल लाइफ ड्राइंग पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार वो मेरे को एक एग्ज़ाम देना है, तो उसमें आएगा वो, तो हो सकता है हम बाहर जाएं उसे बनाने के लिए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इस वीडियो को यहीं पे बाय बाय टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि यार मेरे से अभी लग नहीं रही वो भी पाएगा, क्योंकि एक तो मैं इसकी वीडियो भी नहीं बना पा रहा, मैंने सोचा था कि यार इसकी तो पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, पर नहीं बनाई जा रही मेरे से, क्योंकि यार एक तो कलर कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे होने चाहिए वो ही समझ में नहीं आ रहा, फिर वीडियो का भी चोचला, तो मतलब इतना हो नहीं पाता मेरे से फिर। तो अभी मैं इससे पूरा बनाता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मेरे से ये बना या नहीं बना, या फाड़ा गया, डस्टबिन में फेंका गया, नहीं वैसे से मैं करता नहीं हूँ अपनी किसी भी ड्राइंग के साथ, क्योंकि यार अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो सच में, ठीक है, उसी चीज़ को ऐसी मत फेंको।
उस पर काम करूँ, उसे और अच्छा बनाऊँ। तो देखा ज्ञानी बाबा। खैर अभी मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। किसी का डायलॉग नहीं लग रहा है। खैर ओके बाय।